हेलो पीपल, इट्स मी शान। कैसे हैं आप लोग? एंड आई एम बैक एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। आज मैं एक नई मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ और इस मूवी का नाम है इत्तेफाक। मुझे इस मूवी के बारे में नहीं पता था कि ये मूवी आने वाली है। इसमें है सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा एंड अक्षय खन्ना। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग कास्ट, सारे ही अच्छे एक्टर्स हैं। एंड आई एम रियली सरप्राइज कि मुझे इस मूवी के बारे में पता नहीं था, क्योंकि इतने टॉप के एक्टर्स हैं इसमें, तो आई थॉट कि पता होना चाहिए। बट इत्तेफाक इत्तेफाक की बात है कि मुझे इस इत्तेफाक के बारे में नहीं पता था। सो इट्स अ क्वाइट लॉन्ग ट्रेलर, इट्स 2 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स लॉन्ग। तो हम ट्रेलर देखते हैं एंड फिर इसके बारे में बात करेंगे। सो इट्स इत्तेफाक, पोस्टर से तो थंबनेल से थोड़ा सीरियस मूवी लग रही है, तो पहले देखते हैं एंड देन वी टॉक अबाउट इट। सो हियर वी गो। तो हुआ क्या कर रहा था? उस रात एक्सीडेंट में मुझे काफी चोट लगी थी। Can you please help me? मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। I need your help. I'm sorry. आप प्लीज कहीं और जाइए। Yeah, please make one phone call. Just one call, okay? तो हुआ क्या कर रहा था? मेरे पति शेखर अक्सर काम से लेट आया करते थे। So it's a mystery. मैं अकेली थी। जो आदमी अपनी बीवी को मार सकता है, उसके लिए अनजान आदमी को मारना कौन सी बड़ी बात है? मुझे पुलिस होने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। शी वाज वेरी फ्रेंडली। मैंने विक्रम के साथ शराब अपनी मर्जी से नहीं पी। कैसे बंद करना है आके बता दो। कब से कह रही हूँ कि मैंने शेखर को नहीं मारा। तुम बहुत देर से बात कुछ बोल रही हो और झूठ बोल रही हो। भी दिख रहा है, मैं कब से बोल रहा हूँ कि टेबल टूटा हुआ था, उसके बॉल पर पड़ा तो ए, बेटा तुम्हारे जैसे भुट्टे रोज सीखते हैं। माय डायलॉग। इस कहानी में तीन पहलू हैं, एक विक्रम का, एक माया का और एक सच। हमें सच ढूंढना है। ओह नेक्स्ट वन। सच जानने में आपको कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। लुक्स इंटरेस्टिंग। उस रात वहां पर कोई और भी था। A third person. हाँ, इस पोस्टर की बात कर रहा था मैं। इसी से लग रहा था कि इट्स क्वाइट इंटेंस। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक थर्ड पर्सन खुद अक्षय खन्ना है। आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग, मुझे नहीं पता। सो ये मूवी का ट्रेलर देख के इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इससे मुझे एक और मूवी ध्यान आ रही है जो कहीं से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है उसका। मूवी का जॉनर्स भी अलग है, लेकिन एक बहुत माइन्यूट सी चीज़ है जो उसकी याद दिलाता है मुझे, एंड दैट इज मूवी 36 चाइना टाउन। आ आ आशिकी में तेरी, राइट, दैट वन। उस मूवी में भी जो कॉप का रोल था वो अक्षय खन्ना ने ही प्ले किया था, और उसमें भी कुछ कुछ ऐसे ही था कि इट वॉज अ मर्डर, और उस मर्डर में काफी लोग सस्पेक्ट्स थे और हर सस्पेक्ट की अपनी अलग स्टोरी थी, सबकी कहानी अलग थी, एंड उन्हें एक सच्चाई की, एक सच कहानी जो है, जो एक्चुअली में हुआ था, वो सर्च करना था। तो इसमें भी वैसे ही है, काफी लोगों की जगह सिर्फ दो लोग हैं, एंड ऑब्वियसली 36 चाइनाटाउन की तरह कॉमेडी नहीं है इसमें, जॉनी लीवर और परेश रावल नहीं है। तो इट इज वेरी इंटेंस। अक्षय खन्ना का लुक मुझे अच्छा लगा, विद मस्टैच एंड एवरीथिंग। वो एक कॉप बन के बहुत अच्छा लगता है अक्षय खन्ना। आई डोंट नो व्हाई, वो अमाउंट ऑफ सीरियसनेस एंड दैट एवरीथिंग, दो उसका बॉडी लैंग्वेज होता है, द पर्सनैलिटी दैट ही हैज, उस पर वो कॉप का रोल बहुत अच्छा लगता है, सीरियस कॉप का रोल। ही प्लेज इट रियली वेल। बाकी आई लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा काफी अच्छी एक्टिंग करता है। मैंने लास्ट मूवी देखी थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की, आई थिंक ब्रदर्स, और ब्रदर्स में ही डिड एन अमेजिंग जॉब। आई थिंक अक्षय कुमार के साथ स्टैंड रहना और एक इतना अच्छा, मतलब उस मूवी में बिल्कुल भी अक्षय कुमार के आगे वो ओवरशैडो नहीं हुआ था,
कि वो उसके सामने कम चल पाया या यू नो अक्षय कुमार की ज्यादा वाह वाह हुई, ऐसा नहीं था. सिद्धार्थ मल्होत्रा वॉज इक्वली अप्रिशिएटेड एज अक्षय सर. सो सिद्धार्थ मल्होत्रा इज अ नाइस एक्टर. एंड सोनाक्षी के बारे में क्या कहूँ, सोनाक्षी तो ऑब्वियसली जबरदस्त एक्ट्रेस है ही. लास्ट मूवी अकीरा थी, बहुत अच्छी मूवी थी, पसंद आई थी मुझे. तो शी इज़ मोर ऑफ एन यू नो एक्शन एक्ट्रेस नाउ. एक्शन और इस टाइप के रोल अकीरा करते, अकीरा आई एम सेइंग अकीरा, कम ऑन, यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ दैट मूवी, आई एम कॉलिंग हर अकीरा. सो सोनाक्षी इस टाइप के रोल करती है और उसमें सूट भी करता है, तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग. एंड सच कहूँ तो मुझे अभी भी इंट्यूशन हो रही है ट्रेलर देखने के बाद कि कहीं ना कहीं अक्षय खन्ना भी इन्वॉल्व्ड है इस चीज़ में, जिसका भी मर्डर हुआ है. अब पता नहीं किसकी कहानी सच है, जिसकी भी कहानी सच है वो तो मूवी देखने में पता चलेगा. तो दिस वॉज द ट्रेलर गाइज, आप मुझे बताइए कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा. एंड ऑब्वियसली सबको पसंद आ रहा है ट्रेलर, बिकॉज इट्स नंबर वन इन द ट्रेंडिंग सेक्शन. तो नंबर वन ट्रेंडिंग है ये हमारे देश में, तो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है एंड इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई है. आप लोग मुझे बताइए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो गाइज तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर दिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए अपने मोबाइल फ़ोन्स पे. और अगर आप मुझे और ज़्यादा फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. उस पर मैं अपडेट करता रहता हूँ फेसबुक पर कुछ कुछ, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, एवरीथिंग. हर चीज़ के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, यू गाइज कैन फॉलो मी ऑन दैट. And if you guys want, you can support me on patreon.com. Uska bhi niche, you know, description mein link available hai. And that will be all. I'll see you soon with another video. Tab tak ke liye, sayonara.